अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर। आप सब दोस्तों की खिदमत में एस ए बर्ड्स की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप इसको शुरू से एंड तक गौर से सुनेंगे। वो कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको 2020-21 में ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं? दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमें अगर हम जानवर परिंदे लें तो कौन से परिंदे लें, किस टाइप में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर ये शुरू से एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसका डिसीजन ले सकें। दोस्तों, बजीज़ की मार्केट भी आपने देखी होगी कि बजीज़ 200-250 रुपये का पट्ठा बिक रहा होता है। तो क्योंकि बजीज का पट्ठा सेल के काबिल 2 महीने बाद होता है, तो 2 महीने वो इतना एक दाना खा लेता है कि वो अपने दाने की कास्ट भी नहीं पूरी करता। तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप बजीज पे ज़्यादा सिंपल बजीज के ऊपर आप इन्वेस्ट ना करें। इसके बदले अगर आप इसमें TCB के ऊपर करते हैं या रेड आई पे करते हैं, तो उनकी मार्केट प्राइस फिर भी थोड़ी बेहतर है सिंपल बजीज की नस्बत। और बजीज के अंदर एग्जीबिशन जो हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा पेयर जो है वो तकरीबन 15 से 25 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान आता है। तो अल्लाह ना करे कि अगर उसमें से एक भी बर्ड एक्सपायर हो जाए तो आपको अच्छा खासा उसका नुकसान हो जाता है। तो अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करें तो मेरे ख़्याल से आप अगर एग्जीबिशन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि इसकी प्राइस ये महंगा होने की वजह से सिर्फ उन्हीं लोगों ने रखा हुआ है जिनका बहुत ज़्यादा शौक है और वो क्वालिटी बर्ड रखना चाहते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप इस पे पैसे लगाते हैं तो आप इनकी अगर केयर करें तो ये ऐसा बर्ड है कि जिसकी डिमांड अगले साल भी इंशाल्लाह बढ़ेगी और इसमें कमी नहीं आएगी। दोस्तों, लव बर्ड को आपने देखा होगा कि लव बर्ड में पहले बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, बहुत महंगा था। अब ये दिन ब दिन इसकी प्राइसेस तकरीबन सारी म्यूटेशन के नीचे आ रही हैं। अगर आप सिर्फ फिशर की मिसाल ले लें तो फिशर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में जोड़ा बिकता था। आज वही फिशर आप देखें तो मार्केट में 1200-1500 तक बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से जो फिशर है, फिशर मार्केट में मज़ीद इसकी प्राइसेस डाउन जाएंगी, इसलिए आप फिशर पे इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट जो बर्ड है वो हमारे पास है कॉकटेल। कॉकटेल की आप देखें प्राइसेस, तो इसमें रेड आई की जो प्राइसेस है इनो की, वो थोड़ी बहुत नीचे आई है लास्ट ईयर की कंपैरिजन से। तो यही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी प्राइसेस नीचे आने आ सकती हैं। इसके बरक्स अगर आप इसमें देखें येलो फेस वाला जो कॉकटेल है, उसकी प्राइसेस अपनी जगह पे मेंटेन हैं और कोई प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आल्दो के बाकी इसमें रेड आई के अंदर प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2020-21 में कॉकटेल की प्राइसेस में कोई बहुत खातरख्वाह इजाफा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप इसकी ब्रीड करें तो लिमिटेड हद तक करें। दोस्तों, रिंग नेक एक ऐसा परिंदा है जिसने मार्केट में अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली है। अब रिंग नेक का कोई भी कलर उठा लें, उनकी प्राइसेस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो अभी ग्रीन कलर एक ऐसा है जिसमें जिसकी प्राइस बाकी कलर्स की नस्बत कम है। तो रिंग नेक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी ग्रीन की प्राइस बहुत आहिस्ता से ऊपर जा रही है दूसरे कलर की नस्बत। इसके बरक्स अगर आप वाइट, येलो या कोई और कलर रहते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट अलेक्जेंडर या रा से भी उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई हुई हैं। रिंग नेक बहुत अच्छा जानवर बर्ड है। अगर आप इसको रखते हैं, इसको पालते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रिंग नेक के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, रिंग नेक की तरह आप देखेंगे कि रा
ने भी मार्केट में अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है। राह की प्राइसेस भी डे बाई डे इंक्रीज़ करती जा रही हैं। तो और दूसरा, इसकी फार्मिंग की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप दोस्तों को मैं ये लाजमी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रॉ की फार्मिंग की तरफ आएँ। रॉ थोड़ा सा महंगा है कंपैरेटिवली अदर बर्ड्स, और ग्रीन रॉ, अगर आप इसकी येलो या दूसरे कलर की म्यूटेशन पे जाते हैं, वो इंतहाई ज़्यादा महंगी हैं। आम बंदा उसको नहीं ख़रीद सकता, और अल्लाह ना करे अगर कोई एक आधा बर्ड बीमार हो जाता है या मर जाता है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर इसको एहतियात से आप करें तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। और रहा, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग इतनी आसान नहीं होती, खुली जगह पे ब्रीड करता है, तो आपको ये सब चीज़ें देखते हुए रहा की फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, अफ्रीकन ग्रे भी बहुत महंगा बर्ड है, हर बंदा इसको नहीं ख़रीद सकता। इसका बच्चा भी मार्केट में 40 to 50 thousand के दरमियान सेल हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्ड है, हैंड टेम हो जाता है, फ्रेंडली है, लेकिन इसकी फार्मिंग बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बर्ड ज़्यादा महंगा है और ये बड़ा बर्ड है और ये जगह काफ़ी घेरता है, इसलिए क्योंकि लोग इसके बिहेवियर से ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं है, तो इसकी फार्मिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है और महंगा होने की वजह से हर बंदे की पहुंच में नहीं है। लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसकी फार्मिंग के लिए लाजमी है कि आप इसका प्रॉपर सेटअप करें और फिर इसको कंटिन्यू करें, और इसकी डिमांड में माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही आएगी इस साल इंशाल्लाह। दोस्तों, अगला जो परिंदा है वो है मकाओ। मकाओ की आप देखेंगे मार्केट दिन ब दिन उसमें इजाफा हो जा रहा है, डिमांड भी उसकी बढ़ रही है और उसकी प्राइसेस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मकाओ बहुत बड़ा बर्ड है, इसकी फार्मिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये बर्ड बहुत महंगा है, इसलिए हर बंदा इसको इजीली ख़रीद नहीं सकता। तो अब इसकी अगर आपने फार्मिंग करनी है तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020-21 में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ेगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे कि माजी में इसकी डे बाई डे इसकी प्राइसेस में इजाफा ही हुआ है, और ये बर्ड मार्केट में अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ और इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, और इसकी डिमांड में दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस और ऊपर उठ जाने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, रा की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आजकल लोग जो हैं, ये इलेक्टस एक बर्ड है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और क्योंकि रा की फार्मिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए ये पाकिस्तान में बहुत चंद सारे लोग हैं जिन्होंने ये रा की जगह पे लेक्टस इंपोर्ट किया है, और अब इसकी फार्मिंग की तरफ लोग तवज्जो दे रहे हैं। आखिर में आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मौसूल हो सके। थैंक यू।